अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास टेंथ के लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और ये आप लोगों का नया मॉडल पेपर है 2021 के लिए सिलेबस में 30% कमी के अनुसार। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार क्लास टेंथ के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो आज मैं आपको जो यहाँ पे मॉडल पेपर दिखाने वाला हूँ, ये आप लोगों का नया मॉडल पेपर है, सिलेबस में 30% कमी के अनुसार है। तो इस मॉडल पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि सिलेबस में 30% कमी के अनुसार मॉडल पेपर 2021 यानी 2021 बेस्ड ऑन न्यू रिवाइज्ड सिलेबस यानी नए सिलेबस के अनुसार विज्ञान का ये मॉडल पेपर है क्लास टेंथ के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूर्णांक लिखा हुआ है। पूर्णांक कितना है? 70 नंबर। यानी 70 नंबर का आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, 70 नंबर की आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी। और जो 30 नंबर आपके होते हैं वो आपको मिलते हैं आपके विद्यालय के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के जरिए। 70 और 30 इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का हो जाता है। लेकिन 30 नंबर आपको आपके स्कूल के द्वारा मिलते हैं और 70 नंबर की आप लोगों की लिखित परीक्षा होती है। और आपको टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले निर्देश बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे निर्देश में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है, इतना टाइम आपको मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है सूचना, फिर यहाँ पे लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा एवं गा में विभाजित है। यानी जो आपका ये विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है, ये कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है। फिर इसके बाद देखा है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्रत्येक खंड का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है, यही यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे लिखा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक खंड का सभी प्रश्न आपको एक साथ करना। जैसे मान लीजिए आपने खंड का स्टार्ट किया भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में आपको सभी भौतिक विज्ञान के ही प्रश्न यहाँ पे करने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यानी जो आपका खंड, जैसे खंड का आपने कंप्लीट कर लिया भौतिक विज्ञान, तो जब आप खंड खा स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान वाला, वो आपको नए पेज से करना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ निर्देश और सूचना लिखी हुई थी, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से खंड का स्टार्ट होता है जो कि आपका भौतिक विज्ञान का है यानी फिजिक्स का है। और यहाँ पे पहला प्रश्न बहुविकल्पीय, जैसा कि वहाँ पे सूचना में यानी निर्देश में भी लिखा हुआ था कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का ख क्या दिया है? यहाँ पे लिखा है कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे।
और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एक नंबर का है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद अगला दिया है प्रश्न संख्या एक का ग। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। प्रश्न यहाँ पे है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको देख रहे होंगे और ये भी जो आपका प्रश्न है एक नंबर का है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या एक का घ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम के द्वारा किया जा सकता है। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से, यहाँ पे से रहेगा जो कि छपा नहीं है, तो निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन आपको देख रहे होंगे। तो ये यहाँ पे हो गया प्रश्न संख्या एक का घ। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या एक कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपसे चार बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे एक एक नंबर के, यानी जो प्रश्न संख्या एक आपका था, यहाँ पे प्रश्न संख्या एक थी, ये चार नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए थे। चार बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए थे। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या दो आपकी दी गई है। प्रश्न संख्या दो का यहाँ पे लिखा है कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आभासी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आभासी गहराई की गणना कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। तो देखिए ये आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो जब मैं आपको साइंस में फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइंस का हमारा, तो मैं आपको सभी मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या दो का ख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला प्रश्न। तो यहाँ पे लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या दो का गा यहाँ पे दिया है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है, प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलोम है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का दो नंबर का है, ठीक है। जो यहाँ पे प्रश्न संख्या दो स्टार्ट हुई है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके दो दो नंबर के हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दो में आपसे तीन प्रश्न पूछे गए, का, खा और गा, और ये तीनों प्रश्न आपके दो दो नंबर के थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था, ये वाला, कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की, यहाँ पे आभासी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आभासी गहराई की गणना कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, तो ये भी दो नंबर का है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दो ये यहाँ पे पूरी हो जाती है, तीन प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। अब चलिए देखते हैं आगे प्रश्न संख्या तीन क्या दी गई है। तो देखिए ये प्रश्न संख्या तीन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। और ये जो आपका प्रश्न है चार नंबर का है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चार नंबर का है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। तो जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये तीसरे का था। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या तीन का ख कहाँ पे दिया गया है।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अथवा करके भी आपको एक दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 में अथवा करके भी आपका यहाँ पे दिया गया है कि निकट दृष्टि से पीड़ित, ठीक है, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस, दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। तो ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अथवा करके आपका दिया गया है, अगर आपको ये वाला प्रश्न आ रहा है, जैसे देखिए जो तीसरे का वाला आपका यहाँ पे दिया था, ये वाला अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा करके भी आपको एक दिया गया है। ये देखिए अथवा करके यहाँ पे दिया गया, अगर आपको वो वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, 4 नंबर का ये भी रहेगा क्योंकि वही क्वेश्चन है, अथवा करके आपका यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए तीसरे का ख आपका यहाँ पे क्या दिया है, तीसरे का ख आपका दिया है कि एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट, इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, अभी के लिए आप बस मॉडल पेपर देख लीजिए, यह आप लोगों का नया मॉडल पेपर है 30% कमी के अनुसार 2021 के लिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको अथवा करके दिया गया, अगर आपको ये खा वाले में ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो अथवा करके आपका एक प्रश्न यहाँ पे दिया है कि लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में कोई भी अंतर ना आए तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। और ये भी आपका 4 नंबर का, क्योंकि खा जो आपका है ये 4 नंबर का ही तो प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपका ये दिया, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 3 थी वो कंप्लीट हुई, आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 3 में, और अथवा करके भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे आपको जो प्रश्न आता है आप वो कर सकते हैं, जैसे खा में आपका ये वाला दिया है और फिर अथवा करके भी दिया है, तो आपको यहाँ पे एक ही करना है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे का वाले में भी दिया हुआ था। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 ये आपकी रही, यहाँ पे लिखा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 = R2 = R3 = 30 ओम, R4 = 10 ओम व R5 = R6 = 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5 एवं V6 की गणना कीजिए। फिर इसके बाद लिखा है यहाँ पे कि परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। देखिए क्वेश्चन तो आपका ये बहुत ही इजी है, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा और ना ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न संख्या 4 अकेले ये आपका जो प्रश्न संख्या 4 है ये 7 नंबर का है, इसीलिए आपसे यहाँ पे इतनी चीजें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर भी आपका यहाँ पे दिया गया है, इसी क्वेश्चन का फिगर है, इसी के हेल्प से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, 7 नंबर का है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अथवा करके भी एक दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको ये सवाल नहीं आ रहा, ये न्यूमेरिकल है आपको नहीं आ रहा है, तो अथवा करके भी आपका यहाँ पे दिया गया है
कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके जो आपका दिया गया है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है। यानी आपके लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 में अगर आपको ये नहीं आ रहा है सवाल, वैसे सवाल तो बहुत ही इजी है, जब मैं आपको बताऊंगा ना तो ऐसे क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, तब आप यहाँ पे ये वाला कर सकते हैं, अथवा वाला, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स का जो पेपर था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ से खंड खा स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे फिजिक्स का पेपर आप करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिला हुआ है तो आपको कैसे करना है ये मैं आपको समझा दूँ। तो देखिए जैसे फिजिक्स का पेपर आप लोगों ने कर लिया, देखिए फिजिक्स में आपको फिजिक्स के ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जैसे आपने खंड का स्टार्ट किया था तो खंड का आपका था भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान के ही प्रश्न करने हैं। ये नहीं कि आप भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान के प्रश्न कर दे तो नहीं, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। भौतिक विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान के ही प्रश्न करने हैं, खंड का में आपको खंड का से रिलेटेड जितने प्रश्न आपके दिए गए हैं यही आपको करने हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपका खंड का पूरा हो जाएगा और फिर आप खंड का स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान वाला, तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे, नए पेज से, ध्यान रखिएगा। चाहे आपका कितना भी पेज पीछे बचा हुआ हो उससे मतलब नहीं है, नए पेज से आपको स्टार्ट करना है दूसरा खंड। तो देखिए खंड खा यहाँ पे लिखा है रसायन विज्ञान। पहला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5 का क्या लिखा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, IUPAC नाम आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 1 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है 5वें का खा वाला कि क्षारीय विलयन का pH मान है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद लिखा है 5वें का गा यहाँ पे कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, ये आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और ये भी आपका 1 नंबर का है। तो देखिए आपसे केमिस्ट्री में टोटल 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के, यानी 3 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6 का देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का खा दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है, ध्यान रखिएगा 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का गा कहाँ दिया है। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 6 का गा यहाँ पे है, ये देखिए प्रश्न संख्या 6 का गा दिया है कि मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में का, खा और यहाँ पे गा, 3 प्रश्न पूछे गए और सभी 2-2 नंबर के हैं। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या दी है। तो प्रश्न संख्या 7 आपकी ये रही, यहाँ पे लिखा है कि आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन का कारण सहित व्याख्या कीजिए, परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या कीजिए। ये आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या कीजिए, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 7वें का खा पूछा गया है कि मिश्र धातु, ठीक है, यहाँ पे मिश्र धातु होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु क्या होते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मिश्र धातु क्या होते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। तो देखिए 7वें में, प्रश्न संख्या 7 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, 2-2 नंबर का, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 आपका दिया है कि एथनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों का है टोटल 7 नंबर का। 7 नंबर का आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 8।
और अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा करके भी आपका दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है यहाँ पे, तो का दिया है ऑक्सीजन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या होती है ये आपको बताना है, दो नंबर का यहाँ पे। फिर खा लिखा है समजातीय श्रेणी क्या होती है, ये दो नंबर का। फिर गा लिखा है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल का आईयूपीएससी नाम पद्धति, ठीक है, यानी एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की आईयूपीएससी नाम पद्धति ये आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये तीन नंबर का, यानी ये भी मिला दिया जाए तो आपका दो दो चार तीन सात नंबर का हो जाएगा, ठीक है, सात नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा जो अथवा करके दिया है। तो अगर आपको ये आता है तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं नहीं आ रहा है तो अथवा वाला भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का पेपर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद आपका खंड ग आएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि देखिए जैसे आपने केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से खंड ख से, तो केमिस्ट्री में यानी खंड ख में आपको सिर्फ रसायन विज्ञान के ही प्रश्न करने हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका छूट गया तो फिजिक्स का क्वेश्चन आप खंड ख में कर दें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सभी खंड के प्रश्न आपको एक साथ करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट केमिस्ट्री का। फिर आपका स्टार्ट होगा खंड गा यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए जहाँ पे आपका खंड खा कंप्लीट होगा उसके अगले पेज से यानी नए पेज से आपको खंड गा स्टार्ट करना है, नए पेज से, ध्यान रखिएगा। तो खंड गा यहाँ पे जीव विज्ञान है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 का। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का एक नंबर का है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद दिया है प्रश्न संख्या 9 का खा कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, एक नंबर का आपका ये प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी की क्लास आप लोगों की ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, मैम आपको पढ़ाती हैं, और यहाँ पे दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है बायोलॉजी में और वो भी फिनिश होने वाला है। फिर उसके बाद आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा यानी आखिरी चैप्टर, फिर इसके बाद बायोलॉजी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी बायोलॉजी के सिलेबस में आपका अब ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, आधे से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा दिया गया। अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है नौवे का गा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एक नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका कहाँ दिया है तो ये देखिए प्रश्न संख्या 9 का घ यहाँ पे दिया है कि जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एक नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का दिया है कि जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। दो नंबर का आपका ये प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1+1 यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद 10वें का खा दिया है कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। दो नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। फिर प्रश्न संख्या 10वें का गा दिया है कि वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये भी आपका दो नंबर का क्वेश्चन है। यानी प्रश्न संख्या 10 में तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दो दो नंबर के, यानी 6 नंबर का टोटल आपका यहाँ पे है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 11 का दिया है कि नामांकित चित्र द्वारा मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी चित्र सहित और चित्र बना के नाम भी लिखना है। तो चार नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य के वृक्क की संरचना के नामांकित चित्र की सहायता से उत्सर्जन को समझाइए, ये भी आपका चार नंबर का क्वेश्चन है। तो 11वें में आप देखिए का में आपका एक ये प्रश्न है या फिर अथवा करके। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर सकते हैं, अथवा नहीं आ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 11 का खा दिया है कि वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। चार नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है
तो अथवा करके आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ये भी चार नंबर का आपका क्वेश्चन हुआ, क्योंकि अथवा करके आपका दिया है। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, नामांकित चित्र वाला नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, ग्यारहवें में आपसे दो प्रश्न पूछा गया है, का और खा, और दोनों प्रश्न आपके चार चार नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे लिखा है द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए, और ये क्वेश्चन आप लोगों का 7 नंबर का है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 4+3 यानी 7 मार्क्स का। फिर यहाँ पे अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा करके भी दिया है कि परागण की परिभाषा लिखिए, पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका देखिए 1+3+3 यानी 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर प्रश्न संख्या 12 में आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो अथवा वाला जो दिया है इसे आप कर सकते हैं। तो ये आपका साइंस का नया मॉडल पेपर था, जो कि मैंने आपको आज यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। आप लोगों को यहाँ पे पता भी चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसा पेपर आपका पूछा जा सकता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का नया मॉडल पेपर देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको मैथ का मॉडल पेपर बता दिया है, दिखा दिया है, आज मैंने आपको यहाँ पे साइंस का दिखा दिया है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई और मॉडल पेपर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।